आसिम सिद्धार्थ के बीच हुई लड़ाई तो फिर भड़क उठे फैंस। हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। मेरे साथ है प्रशांत शर्मा। बिग बॉस 13 की अगर कोई हाईलाइट सबसे ज्यादा होती है वो है आसिम और सिद्धार्थ की। आसिम और सिद्धार्थ दो ऐसे कंटेस्टेंट हैं बिग बॉस के घर में जिन्हें हम आए दिन लड़ाई झगड़ा करते देखते रहते हैं। पहले जरूर इन दोनों को करण अर्जुन का टैग मिला हुआ था, दोनों का एक प्यारा सा बंधन हमें देखने को मिला था, लेकिन धीरे धीरे इन दोनों के बीच में कड़वाहट आ गई। इन दोनों की काफी ज्यादा लड़ाई अब हमको देखने को मिल रही है। हम काफी टाइम से यही कोशिश कर रहे थे कि दोनों फिर से साथ आ जाएं, दोस्त बन जाएं। दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी लगती थी, लेकिन अब वो मुझे लगता ही नहीं है, क्योंकि डे बाय डे अगर तुम हर दिन देखो तो इनकी लड़ाइयां होती ही रहती हैं। अभी पहले के अभी जो लग्जरी बजट एक टास्क हुआ था उस दौरान भी ये अलग अलग टीम में थे और दोनों की काफी लड़ाइयां होती उस टाइप उस दौरान भी। वही बिग बॉस ने एक और नया टास्क दिया है बीबी जंक्शन करके, उसमें भी इनकी काफी ज्यादा लड़ाइयां हुई है, धक्का मुक्की हुए हैं एक टास्क के दौरान। बैग उठाने के चक्कर में इतनी ज्यादा लड़ाई बढ़ जाती है कि सिद्धार्थ शुक्ला और वो लड़ जाते हैं, और सिद्धार्थ शुक्ला एक बार फिर से, इससे पहले वो कई बार उनको बहुत ज्यादा पुश कर चुके हैं बहुत फास्टली, जो कि काफी शॉकिंग है, उन्हें नहीं करना चाहिए था। पता नहीं कितना एग्रेशन होता है कि वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें करना चाहिए था। और लोगों को भी सोशल मीडिया पर भी लोग तरह तरह के सिद्धार्थ शुक्ला को काफी ट्रॉल कर रहे हैं और आसिम का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भी लोगों का मानना है कि सिद्धार्थ कभी भी कुछ भी करते हैं, एग्रेशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनके साथ बायसनेस होती है, उनको बायस उनके लिए किया जाता है और आसिम को हर चीज के ऊपर सुनाया जाता है। तो सोशल मीडिया पर अब लोगों ने सिद्धार्थ शुक्ला को काफी खरी खोटी सुनाई। आपको बता देते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला के अगेंस्ट लोग कैसे आए हैं, उन्हें कैसे ट्रोल कर रहे हैं। सबसे पहला एक बंदे ने ट्वीट किया है, ये ट्रॉफी तुम रखो, आसिम ने दुनिया जीत ली है, वर्ल्ड वाइड ट्रेंड, लव आसिम ऑफ ओवर वर्ल्ड, लव आसिम, वी स्टैंड विद आसिम। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, सबसे बड़े लूजर को हीरो बना रहे हो, शेम ऑन कलर्स टीवी, वी स्टैंड विद आसिम। वहीं एक और यूजर ने लिखा है, प्राउड ऑफ यू कलर्स टीवी फॉर ग्लोरिफाइंग वायलेंस, पुशिंग समवन 3 times इन द नेम ऑफ टास्क, फॉरगेट अबाउट प्रीवियस पुशिंग, ट्राइंग टू इंस्टिगेट स्क्वीजिंग, आसिम रियाज, वी आर विद यू। तो मतलब इन शॉर्ट प्रशांत, हर कोई स्टैंड ले रहा है आसिम का, और जो शुक्ला जी हैं उनको खरीखोटी सुनाने में लगा। Exactly, देखा ही होगा कि अभी मैंने बता ही रहा था कि आसिम कुछ भी करता है तो वो हमेशा, चाहे सलमान खान हो चाहे कोई भी, उनके अगेंस्ट ही जाता है। उनको पिछली बार भी जब लड़ाई हुई थी तो आसिम को काफी ज्यादा सुनाया गया था, इतना सिद्धार्थ को नहीं सुनाया गया था, जबकि सिद्धार्थ बहुत गंदी तरीके से वो भी बिल्कुल चढ़ जाते हैं। गलती अगर दोनों की होती है तो सुनाना भी दोनों को ही अच्छे तरीके से चाहिए। कहीं ना कहीं अभी कुछ पिछले एपिसोड्स की बात है, रश्मि देसाई बोलती नजर आती है कि बायस्ड है कहीं ना कहीं बिग बॉस सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर। हाँ, तो मतलब क्या उस पे भी डेफिनेटली, क्योंकि ये बात सिर्फ रश्मि को ही नहीं लग रही, इवन बाहर बैठी जनता अभी ट्वीट्स में भी लोगों ने बात बोल दी है कि कलर्स टीवी क्या कर रहा है। हाँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिद्धार्थ कोर्ट की वजह से, अगर टीआरपी शो को आ रही है तो बिग बॉस क्यों ही उनसे पंगा लेना चाहेंगे, इस वजह से कहीं ना कहीं उनको वो करते हैं और इस चीज का वो फायदा भी उठा रहे हैं, वो बार बार लगातार करे जा रहे हैं। अगर आप किसी को बार बार इस तरीके से अगर उनको पुश किया जाता तो काफी चीजें क्रिएट हो सकती हैं। प्रशांत, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि आसिम रियाज थोड़ा उनको पोक करते हैं सिद्धार्थ शुक्ला को? पोक करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि पोक नहीं करते हैं, लेकिन हर बार पोक नहीं करते हैं किसी की चीज में। सिद्धार्थ भी अगर, जैसे कल टास्क हो रहा था, अब बैग उठाना था, अब ऐसा तो नहीं लिखा है कोई ही एक बैग उसको उठा सकता है, दोनों ही उस बैग को उठाने की कोशिश कर रहे थे और सिद्धार्थ और उठाने के चक्कर में शायद कोई गिर भी गया था तो, लेकिन वो दोनों की आपस में वही है ना, एक ईगो आ जाती है, उसने उठा लिया, इसने उठाया, तो उसी चीज के चक्कर में सिद्धार्थ शुक्ला ने उनमें एकदम से लड़ाई हो गई और उन्होंने बहुत गंदे तरीके से उनको पुश किया, तो फिर वो दोनों लड़ते ही दिखाई दिए पूरे शो में, जब तक खत्म नहीं हुआ कल का शो, दोनों लड़ते ही दिखाई दिए। ऐसी बात नहीं कि आसिम ने उनको कुछ नहीं बोला, आसिम ने भी काफी बातें बोली सिद्धार्थ को, वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ ने भी काफी बातें बोली, लेकिन कहीं ना कहीं सिद्धार्थ को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। सलमान खान ने भी पहले आपने देखा था वीकेंड का बार पर, वो जिस टोन में वो बात करते सलमान ने उसी टोन में उनको बोला कि इस तरीके से मत करा करो, गुस्सा आ रहा है तो लेट करके करा करो, थोड़ा आवाज भी थोड़ी डाउन हो जाती है, लेकिन सिद्धार्थ नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी लोग आसिम का सपोर्ट कर रहे हैं और सिद्धार्थ को काफी ट्रॉल कर रहे हैं। वेल गाइज, आपको क्या लगता है आसिम और सिद्धार्थ की लड़ाई में कौन सही है और कौन गलत, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बिग बॉस से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।